बातें जो उसे बता देंगे। रिंजा को ना रिंजा को खेलते वक्त ऐसी बिल्कुल अच्छी लगती, हमें प्रेशर अच्छी लगती। तो जब भी मैंने उनसे सुनी इसी मैं ना हमेशा बंद कर देती थी सो रही हूँ सारी खिड़कियाँ खोल दी। तो प्लीज़ उसे बोलना कि सारी खिड़कियाँ खोल दी। और वो सोते हैं ना तो वो पूरी रजाई नहीं लेते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो सर कि खुद तो रजाई रखने को बोलूँ और ना हाँ सोते वक्त उनको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाना, उन्हें ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है लेकिन उनको बहुत सर्दी हो जाती है। तो प्लीज़ मैं उसको बोला सारी बात बहुत थक गई हूँ रो 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 के और मैं इनको चुप करा करा जरा। हाँ बेचारी, जब से मैं जब से मुझे निकाला गया घर से, मतलब इतनी बार निकाला लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अब आदत नहीं रही ना निकाल के रोने की, इतनी बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ऐसे इतना रो रही हूँ। बट मजा आ रहा है इमोशनल सीन्स करके। अच्छा वैसे क्या कह रही थी आप, नवीन का ख्याल रखना, मतलब अब आप वहाँ नहीं है तो क्या क्या कमियाँ, मतलब क्या क्या ध्यान रखने के लिए कह रही हैं? उनका डायपर चेंज करना पड़ता है नर्स को बता नहीं पाई उनका प्लीज डायपर अच्छे से चेंज। एक्चुअली ऐसा नरेन पता नहीं ऐसा कुछ था क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन नरेन सर को ठंडा पानी पीने की बहुत आदत है सोने से पहले, तो उसको सर्दी हो जाती है। इसलिए मैं शेखर को बताती हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ वहाँ तक पहुँचा दे, नर्स को बता दे कि ऐसा ना करे कि वो ठंडा पानी पी ले क्योंकि उन्हें सर्दी हो जाती है। उनको ब्लैंकेट उनके घुटनों तक ही चाहिए होता है, तो प्लीज़ वैसे ही डाले। और फिर और क्या बोला मैंने, हवाएं, उन्हें फ्रेश एयर बहुत अच्छी लगती है तो उनके लिए मैंने हमारे घर में आ जाए सिर्फ हवाएं ही है तो उसे फ्रेश एयर अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं नर्स को बहुत समझाई। फिर मैं समझाते समझाते रो पड़ी, मैंने कुछ चुप करा के करा दे मैं भी रो पड़ती। मुझे ऐसा लगता है प्यार बहुत गंदी चीज़ होती है क्योंकि प्यार में बहुत रोना पड़ता है। अब तो मुझे प्यार नहीं था तो मैं नहीं रोई, लेकिन अब मैं धीरे धीरे मुझे लग रहा है मैं अर्चना बनती जा रही हूँ। गॉड डैम इट, मैंने सोचा था मैं नहीं रोऊंगी लेकिन अच्छा वैसे अभी जो सीन ऐसा क्या कर दिया यार, मतलब जिसकी वजह से घर से निकाल दिया, अब तक तो सिर्फ नौकरों की। एक्चुअली मैंने ही वो एक्सपेरिमेंट किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिससे कि नरेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसको बांध के रखा गया है। और मतलब वो जब भी होश में आ रहा है ही इज़ नॉट गेटिंग इन टू हिज नॉर्मल स्टेट, तो उसको वो प्रॉब्लम हो रहा है कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया लगता है।
नहीं ठीक हो जाएंगे। अंकिता इतना रोती रहती है दिन भर, आंखें सूज गई हैं, तो कब होगा बंद रोना? अभी बस बहुत जल्दी, अभी तो रोना स्टार्ट किया है अभी तो आज मेरा पहला दिन है आई गेस रोने का इतना ज्यादा रोने, बहुत ज्यादा मैं थक चुकी हूँ रो के। एक्चुअली मैं पुराने एपिसोड देख रही थी पवित्र रिश्ता के, मैं और सुशांत साथ में बैठ गई, तो मैं सोचा मैं कितना रोती थी, तो मैं सोचा क्यों ना मैं फिर से रोना शुरू। लोगों को इनका रोना इतना पसंद है ना, लोग ऐसे आके बोलते हैं आप रो प्लीज। एक्चुअली पीपल कम टू मी एंड से आप रोती क्यों नहीं है आजकल, आप कितनी अच्छी लगती है रोते हुए, आपको पता है ना। ओके तो मैं आप लोगों के लिए रो रही हूँ, प्लीज देखिए मेरा रोना। आपको पर्सनली कितना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट लाइक टू क्राई, आई नेवर क्राई, कभी कभी रोती हूँ बट ऐसे हमेशा नहीं। अर्चना और अंकिता, अब तो ये अंकिता भी पागल हो गई मुझे लगता है, वो भी रोती रहती है। ले मैं बोलूँ ना, प्यार बहुत गंदी चीज़ होती है, प्यार में इंसान अक्सर रोता है, खुशियाँ भी होती है लेकिन रोता ज़्यादा है। लेकिन तो टीवी सीरियल के प्यार में रोता है ना? हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन पता नहीं किसका कौन कैसा है, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रुलाता वो बेचारा खुद रोता है कि ये कहाँ से आ गई मेरी लाइफ। थैंक यू।